मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल तो पूरा दिन खड़े रहे थे लेकिन माल मिला ही नहीं कंटेनर, तो फिर पूरा दिन खड़ा रह रहे के इधर आई माता होटल पे आ गए थे और शाम को फिर यहाँ पे आ गए थे और अभी आई माता होटल पे खड़े हैं। सुबह का 7 बज रहा है और आप देख सकते हो सामने आई माता होटल है और अभी रात को एक नया ऑर्डर आया कंटेनर का, अभी देखते हैं। चांगदर साइड जाना है राजकोट रोड के ऊपर और देखते हैं क्या होता है उधर, भरता है नहीं भरता है। ये इधर बहुत सारी गाड़ी खड़ा है, अभी हमने चाय पिया और गाड़ी स्टार्ट किया, एयर थोड़ा कम था तो एयर भर रहे हैं और फिर निकलते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसा कुछ अभी सुबह का व्यू आ रहा है तो दोस्तों चलो निकलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ चांगोदर रोड पे और दोपहर का 2 बज चुका है। कल तो पूरा दिन वहाँ खड़े रहे, लोड तो हुआ नहीं और आज देखो अभी लोडिंग पॉइंट पे लगाया है, शायद लोड हो जाएगा। और ये सब कंटेनर पड़े हुए अभी बन रहे हैं, देख सकते हो आप, ये पूरे कंटेनर पड़े हुए इधर तैयार पड़े है और पूरा अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, माल पड़ा हुआ है और पीछे हाइड्रो लगा हुआ है, देख सकते हो। अभी उठा के अपनी गाड़ी में डालेंगे, दोस्तों कल तो खाना भी पूरा दिन नहीं मिला, परेशान हो गए थे। फिर रात को रिंग रोड पे अहमदाबाद रिंग रोड पे आके खड़ा कर दिया और खाना खा के सो गए और सुबह में इधर आ गए थे बावड़ा से पहले। ये राजकोट रोड के ऊपर ही इसका गोडाउन है तो उधर अभी लोड करने के लिए खड़े हैं। वैसे तो सुबह में 8 बजे आ गया था लेकिन अभी अंदर ले आए, हाइड्रो नहीं आया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अभी शायद हो जाएगा, देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो गाइस, अपन को गिलती मिल चुका था 8 बजे और फिर डेमो में मतलब फाइन जो करता है साइड का उसका थोड़ा टाइम लग गया, उसके वजह से 9:30 बज गया था और फिर 9:30 बजे बिल्टी मिलने के बाद हमने चलवाया रिजल्ट, 200 लीटर डाल दिया और अभी निकल चुके हैं। साड़न सब पार कर लिया है और अभी रास्ते में ये देख सकते हो, अभी रास्ते में ये और दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है कंटेनर और कंटेनर बीच में खड़ा हो गया है, अपने को ब्रेक लेना पड़ेगा, देख सकते हो। ये रात के टाइम में यही एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, देख सकते हो कैसे बीच में हो गया है, ऐसा काम काज है, पूरा जाम लगा दिया और देख सकते हो पीछे बाहर निकला हुआ है और इधर भी निकला हुआ है। बहुत ध्यान से सेफ्टी से चलाना पड़ेगा और ये रामन का बस जा रहा है, शायद ये भूज जा रहा होगा और फाटा के सामने देख सकते हो, और ये दूसरा भी जा रहा है माण, ये शाहजहानंद का है, ऐसा काम काज है अभी। तो मिलते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। यूपी
पैकेट है, दूध पैकेट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, विराम गांव राजस्थानी होटल पे खाना खा के मैं निकल चुका हूँ और अपना सामने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो उतार लिया। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी बजने वाला है 3 और हम पहुंच चुके हैं अणियारी टोल और इधर रुके थे चाय पीने के लिए। और आप सामने देख सकते हो कितना बड़ा तपेला लगा हुआ है चाय का, भी चाय बन रहा है और अपने दो छोटू भाई वो चाय बनाने में लगे हुए हैं और अपना गाड़ी सामने खड़ा है और रोड के उस पार में खड़ा करके पार्किंग गेट बुला के आया था। तो हेलो फ्रेंड्स, अपन पहुँच चुके हैं अणियारी टोल और दोस्तों अभी थोड़ा बहुत भूख लग रहा था तो हमने एक की जगह दो दो चाय मार लिया और अभी कुछ अच्छा लग रहा है तो अभी चल पड़े। पहले अणियारी टोल पे फुल इरादा था कि सो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेबल देख के कुछ सेट नहीं हो रहा था, इसके लिए निकल चुके हैं। और अभी 3 बज रहा है, मतलब 3 बजने वाला ही है, तो इसलिए अभी निकल चुके हैं और अपना इरादा चेंज कर लिया और अभी देखते हैं कब तक चलते हैं। अभी तो शायद नींद नहीं आना चाहिए, फिर तो सुबह हो जाएगा तो फिर कोई नींद नहीं लगेगा। जब तक नाइट है तब तक थोड़ा बहुत नींद का एहसास होगा। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी माड़िया यहाँ से आगे है, उधर तो ज़्यादा ठंडा पवन आता है तो उधर ज़्यादा हमारे को टेंशन रहता है नींद आने का, इसलिए सब सोचना पड़ता है। दोस्तों, ड्राइवरों की मजबूरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता है। बाकी तो समझने वाले तो समझ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। 9:30 बजे दोस्तों बिल्टी मिला था और तब से लेके अब तक सिर्फ खाने के लिए और दो जगह चाय पीने के लिए रुके और रेगुलर ऐसे ही चलते ही आ रहे। पूरी नाइट चलते हैं, तब डिस्टेंस कुछ कवर होता है। तो ऐसा हमारा जिम्मेदारी का काम है और नहीं चलते तो फिर दूसरा दिन भी बिगड़ जाता है और अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा काम है ड्राइवरों का। तो चलो, बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों, आपको खावड़ा जहाँ पे माल खाली करेंगे उधर आपको एक कंटेनर के अंदर एक राज है वो दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक खुफिया राज है वो आपको एंड में जहाँ कंटेनर उतरेगा उधर आपको अंदर का राज सब दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी बज चुका है सुबह का 7:30 और सूर्य नारायण सामने आ गए हैं और मैं पूछ चुका हूँ भुज रुद्र माता पुल है उसके ऊपर। ये पुल बहुत पुराना है और दोस्तों ये पुल बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि ये बहुत टाइम बंद हो जाता है, इसलिए अभी देख सकते हो बैरियर भी लगा हुआ है, बहुत बार बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं लोरिया और अभी इधर चाय पियेंगे, अभी चाय पानी करके फिर निकलेंगे। और जय वडवाड़ा होटल है देख सकते हो और सामने ही है। अभी नाश्ता का टाइम हो गया है देख सकते हो। देखो दोस्तों, रास्ता का क्या हालत है। अभी ये रास्ते में गाड़ी 1-2 नंबर में मुश्किल से चल रहा है, बहुत खड्डे हैं और ये रास्ता लगभग 2-3 किलोमीटर से ही चल रहा है।
देखो दोस्तों, गाड़ी वालों का ये हाल है अडारी में, कोई रोड का आता पता नहीं है। देखो कैसे कैसे जा रहा है रास्ता, वो उधर है वो तो बन रहा है लेकिन इसमें गाड़ी नहीं चल सकता, और ना तो कोई इधर आदमी दिख रहा है, पूरा रण पड़ा है। देख सकते हो गाड़ी वालों का, अभी इसमें कैसे गाड़ी चढ़ेगा। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के बाद इधर पहुँचे हैं, और एकदम रण है, सब गाड़ी बैठ जाता है, और यहाँ 3 किलोमीटर रण में चलाने के बाद गाड़ी एकदम से गर्म होने लग गया, वजन भी नहीं था फिर भी गाड़ी गर्म हो गया। इधर कोई आदमी ही नहीं है दोस्तों, जो लोग इधर काम करने आ रहे हैं वही है, और अभी तो मशीन भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, देखते हैं। जो दोस्तों आपको खुफिया राज बताने को बोला था वो यही है, इसमें 2 सोफा लगे हुए हैं, 1 टीवी है, 2 चेयर है, और इसमें कबाट लगा हुआ है, और साथ में बाथरूम गीजर सब लगा हुआ है, नहाने का बाथरूम सब व्यवस्था है, देख सकते हो पूरा VIP जैसा एकदम से, देख सकते हो पंखा ट्यूबलाइट। तो दोस्तों फाइनली अपना गाड़ी खाली हो चुका है, और अभी दोपहर भी 12 भी बज चुका है। तो दोस्तों हम वैसे तो कल दोपहर को आ गए थे, लेकिन शाम हो गया फिर खाली नहीं हुआ, और मैं सुबह से खाया नहीं था, नाश्ता ही किया था, और फिर डायरेक्ट अंदर आ गया था, और अभी देख सकते हो खाली करके निकला हूँ। रात को भी खाना नहीं मिला, सुबह नहीं मिला, और अभी भी दोपहर हो रहा है, और दोस्तों खाना तो खाना, सुबह में चाय नहीं मिला है दोस्तों, यार इतना हालत बुरा है। तो हमारी तो बात यार कुछ अलग ही है, तकलीफ बहुत है हमारे को, लेकिन सब सह लेते हैं, हो जाता है एडजस्ट। अभी कहीं बाहर जाके पहले तो चाय पियेंगे, फिर देखते हैं। और अभी रण में बगा के आ रहे हैं, और बगाएंगे नहीं तो गाड़ी खड़ा हो जाता है, रण में बैठ जाता है, और कई सारे छोटे छोटे रास्ते हैं, सब जा रहे हैं उधर, लेकिन ध्यान से अपने को सेफ्टी से जाना पड़ता है, और चारों तरफ रण ही रण है, और कोई एक आदमी भी नहीं दिखाई देता है, और मिट्टी भी बहुत उड़ता है, सब मीठा वाला नमक वाला हो रहा है, अभी बारिश के टाइम में तो पूरा भर जाता है। तो दोस्तों हमने फाइनली भिंडियारी पार कर लिया है, और दोस्तों खावड़ा के बाहर आए तो हमने पहले तो बाहर निकल के चाय पिया था, और अभी हम आ रहे हैं। अभी दोस्तों अंदर तो कुछ मिला नहीं था खाने को ना पीने को, बाहर निकल के हमने पहले तो चाय पिया, नाश्ता किया, और अभी भिंडियारी पार कर लिया है। अंदर तो हालत बहुत ख़राब था, और
पोजीशन बहुत खराब रहता है अंदर का, अंदर तो नाश्ता वास्ता लेके गया नहीं था मैं दोस्तों। सुबह गया तो मेरे को यही सोच के गया कि दोपहर में अंदर पहुंच जाऊंगा तो शाम तक खाली हो जाएगा और बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन जो सोचते वैसा होता नहीं है। और फिर उधर रात रुकना पड़ा तो सुबह से नाश्ते किया था, खाना तो खाया नहीं था, और फिर रात को भी कुछ मिला नहीं, नाश्ता पानी चाय कुछ नहीं मिला। और सुबह में भी 12 बजे खाली हुआ तो सुबह में चाय भी नहीं मिला, चाय तो वैसे फिर बाहर आके गेट पे मिल गया था। और फिर मैं थोड़ा आगे आके खावड़ा के पास में आके मैं चाय पानी नाश्ता सब किया और अभी बाहर निकल गया हूँ और अभी जा रहा हूँ। अभी ऑर्डर तो कुछ है नहीं, अभी देखते हैं, अभी आगे जाके कॉन्टेक्ट करेंगे किसी को, ट्रांसपोर्ट वाले को पूछते हैं क्या माल कुछ निकल रहा है। और अभी तो इधर का माल देखेंगे, शायद तो नहीं भरेंगे, बहुत हालत ख़राब होता है, या फिर कुछ फिर भी जाना पड़ जाएगा तो नाश्ता वास्ता कुछ लेके ही जाएंगे। बाकी अभी ऐसे डायरेक्ट जाने वाले हैं नहीं, और अभी मैं था अकेला। और दोस्तों अभी देख सकते हो मैं सामने बहुत सारी भैंस बैठी हुई है, और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो उसको दूध भी निकल रहे हैं लोग, क्योंकि ये थोड़ा आउटसाइड पड़ता है तो दूध भी शाम को जल्दी निकालना पड़ता है। और बहुत सारी भैंस, बहुत भैंस है, इसको बन्नी की भैंस बोलते हैं, और बहुत सारी भैंस बैठी हुई है। और इधर भी ये देख सकते हो, और ये रात को फिर धोने के बाद, दूध निकालने के बाद ये रात को छोड़ देते हैं, फिर घूम घूम के खाना खा के आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।